अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, ओहायो गोज़ाइमास जी, क्या हाल है सब जी? ठीक ठाक हैं? क्यों ना जी यार, पंजाबी च व्लॉग बनाया जाए। मैं क्या, काफ़ी देर हो गई है व्लॉग नहीं बनाया। तो जी मैं जी आज कंपनी च आ गया जी, सुबह का टाइम है तो काफ़ी गर्मी है। सब नालों पहले अपना ट्रक स्टार्ट करने हैं जी, सब नालों पहले अपना जी ट्रक स्टार्ट करके जी। 7月4日火曜日です。7月の4日ए मतलब है जी आज 7वें महीने की, आज 7वें महीने की 4 तारीख है जी। तो आज काफ़ी शदीद गर्मी है जी। अज काफ़ी शदीद गर्मी है जी, अजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है जी इत्थे। ते मैं हुण जी ट्रक स्टार्ट कीता, ते हुण मैं चलां जी अपने जिहड़ा जिथे साढ़े पेपर वगैरह पे होंदे ना, उस जगह ते चलां। जिहड़ा मेरा काम है उहदे पेपर वगैरह मैं जिहड़े कलैक्ट करना। तो जी वेखां पेपर, जैसा कि देखो जी पेपर कलैक्ट कर ले। तो बेसिकली ना मेरा जड़ा रोज़ काम होंगे ना, रेगुलरली काम होंगे, वो मैं निकलना होंगे सुबह 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 के 3 बजे निकलना होंगे, टोक्यो पोर्ट च जाना होंगे ना। तो आज जड़ा कंपनी ने एक डिफरेंट काम दिता है कि पहले किसी वेयर हाउस जाना है, उत्थे जड़ा कंटेनर है वो लोडिड है ना, उत्थे अनलोडिड करवा के उस कंपनी दे विच कंपनी वाले जो भी समान है विचों कढ़ांगे, उत्थे अनलोड करवा के वापस आना है कंपनी च अपनी। तो अपनी वापस अपनी कंपनी च आ के फिर जड़ा दूसरा कंटेनर है उन्हूं जड़ा ना कनैक्ट करके फिर मैं जाना है टोक्यो पोर्ट। तो अज काम लेट शुरू होया है, 8 बजे शुरू होया है। तो उत्थे जिहड़ी मेरी प्लैनिंग है 9:30 बजे तो पहले मैं उत्थे पहुँचना ना उस कंपनी च। ते एदा मतलब है कि काम शुरू लेट होया है तो खत्म भी लेट होएगा। नॉर्मली जेड़ा मेरा पहले काम होंदा ही शुरू होंदा ही 3 बजे ना, 3 बजे कंपनी अपनी कंपनी च निकल जाना हाँ। तो जेड़ा खत्म भी होंदा ही फिर वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे दोपहर दे विच खत्म हो जाता ही, फिर बंदा घर टुर जाता अपनी मर्जी नाल ना। तो चलो फिर भी काम का हिस्सा वे, लेट जल्दी है फिर होंदा ही रहिंदा। तो अपने व्लॉग का स्टार्ट करने हैं जी। अपना ट्रक जी उत्थे खलोते है जी, कनैक्ट कर लिया जी, कपल कर लिया इनू, तो जड़ा ना भरिया कंटेनर है ठीक है। तो अपनी जी इंस्पेक्शन वगैरह, चेकिंग वगैरह, पेपर की चेकिंग वगैरह ऑल ए टू जेड मैं जी चेकिंग कर लिए, देखो जी। तो हूँ निकलने अपनी कंपनी वास्ते, जिथे साडा काम है उत्थे असीं निकलने। जी ते जी सब कुछ ओके हो गया जी। ते अपना अल्लाह का नाम लैके जी बिस्मिल्ला करिए, नारा मारिए, ते चलिए अपनी कंपनी है जिथे साडा काम है जी। ते आज दा जी जड़ा व्लॉग है ना ओ जी, एक मिनट ठहर जो जी, तुसी वायरलैस की आवाज आ जानी है ना विच, मैं चलो थोड़ा रुक जावा। ते जी सिक्योरिटी गार्ड होंदा उन्हूं पाछो हर दफा जो आ भी जो जा भी सलाम करना पैंदा। ते जी अज दे टॉपिक दे बारे च गल कर रहा हाँ जी। जी अज दा जिहड़ा टॉपिक है जानना जी, ए जिहड़ा लाइफ है ना,
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਵਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ
जी अभी अब जी अपनी डेस्टिनेशन में आ गए हैं जी। ये देखें जी, पार्क कर दिया मैंने ट्रक और अपना उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। और ये पेपर थे जो उनसे, उन पे स्टैंप वगैरह लगवा के आ गया हूँ। अभी ये इन्होंने काम ख़त्म करना है, एक घंटा लगेगा यहाँ से, काम ख़त्म होने में एक घंटा लगेगा। तो उसके बाद फिर वापस अपनी कंपनी में चलते हैं। अभी जी ये उसी दौरान हम जी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेड और कॉफ़ी जी। जैसा कि तुसी देखिया जी, असी सेफली अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंच गए हैं। तो इतों हूँ तकरीबन एक घंटा लगेगा, इन्होंने फिर हाली कर सड़ना कंटेनर अपना माल इन्होंने ला सड़ना है, फिर वापस मैं कंपनी जावांगा। तो कंपनी ते जाके फिर दूसरा जिहड़ा कंटेनर ट्रेलर उन्हों कपल करके कनैक्ट करके तो फिर मैं टोक्यो पोर्ट आसे रवाना हो जावांगा। तो तकरीबन कह लो कि 2 बजे तक टोक्यो पोर्ट पहुँचागा, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट करना है। तो उस तो बाद फिर अगला जिहड़ा लोड है वह लभेगा या नहीं लभेगा वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो काम जाहिर सी गल है, वापसी भी लेट होएगी तकरीबन 8 बजे ही जावे। लेकिन वधिया है कि कल भी ना जरा काम लेट शुरू होना है, इस वजह तो काम भावें 9 बजे मुके 10 बजे मुके कोई मसला नहीं है। तो मैं गल कर रहा सा जी अज का जोड़ा व्लॉग है वो किस टॉपिक पर वे ट्रैकिंग के बेनीफिट्स की ने। सब तो पहले तो ट्रैकिंग के बेनीफिट्स हैं कि जी ए जी दूसरे कामों की निस्बत नालों सैलरी थोड़ी सारी अच्छी होंगी है, ठीक है। तो दूसरे कामों नालों जोड़ा काम है वह हार्ड भी नहीं होता, बड़ा आसान काम होता है। तुम्हें करनी की है, ड्राइविंग करनी होंगी है। यह एक एक गल है तो बहुत आसान काम है, लेकिन एडा एडा व्डा ट्रक चलाना पिछे हजारा किलो हिसाब ना लोड होया हों, तो ड्राइविंग करना एडा आसान काम नहीं है, मुश्किल है जरूर है, यूज टू होने तक मुश्किल है, ठीक है। जो तुम यूज टू हो जाना फिर थोड़े से आसानियाँ ही आसानियाँ ने, ठीक है। यह दो गल्ला हो गई, एक हो गया है एक दूसरे काम के निस्बत नालों एदी सैलरी अच्छी है, तो एक एडा काम भी हार्ड नहीं है। तो तीसरा जड़ा के तुसी एदे विच फ्री रह सकते हो। फ्री तो मुराद तुसी किसी कंपनी या फैक्ट्री काम करते हो, उत्थे तुहानू लीडर की टेंशन होंदी है, तुहाडे नाल बंदे होंदे ने, तुहानू 100 चंगे भैड़े बंदे होंदे ने ना। ए सिस्टम नहीं है, तुसी कल्ले ड्राइविंग करनी है, तुहाडे नाल कोई बंदा नहीं है, तो तुहानू कोई अपने सुपरवाइजर की या लीडर की कोई टेंशन या सिर पीड़ नहीं होनी ना। एक बहुत वड्डा ते जिहड़ा सही प्लस पॉइंट है ना, एक जिहड़ा बेनीफिट है वह बहुत अच्छा वे ना इहदा। ते तुहानू किसी किस्म की किसी बंदे दी या लीडर की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चौथा जड़ा फायदा ना कि तुसी ये ड्राइविंग करते दौरान तुसी अपने कार फैमिली नाल दोस्तों नाल तुसी फोन पर गलबात कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, मूवियां वेख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। तो लेकिन थोड़ा फोकस है ड्राइविंग होना चाहिए, ठीक है। तो तुसी जड़ियाँ ना जड़िया नैचुरल सीनज होंगे ने, नैचुरल व्यूज़ होंगे ने, वह भी तुसी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ना तकरीबन जदों सूरज निकलता होंगे, सूरज ग्रूब होंगे होंगे, बड़े तकरीबन ना ब्यूटीफुल व्यूज़ ना जड़े वह वेखी देने ना। तो ट्रैकिंग क्या भी फायदा है, तुहानू बहुत ही ना ब्यूटीफुल व्यूज़ वेखन मिलते हैं। तुसी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाते हो तो वह एक अपना ही अलग है, ठीक है, वह एक अपना ही अलग मज़ा है ना। तो उस तो बाद तुसी दूसरे यानी डिफरेंट काइंड ऑफ बंद मिलते हो, अच्छे बंदे भी जैसे गल होंगे ने, ठीक है। तुसी वक्री वक्री जगह पर जाते हो, तो एक एक्सपीरियंस होंगे। तो ट्रैकिंग दे विच तुसी तुहाडा यह नहीं है कि तुसी 10 साल काम किया तुसी ना एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल बाद भी तुहाडा एक हर दिन जिहड़ा ना एक नवे तो नवा एक्सपीरियंस वाला दिन होंगे, ठीक है। तो इहदा तकरीबन जिहड़ा लास्ट जिहड़ा बेनीफिट है ना, तुसी जदों मर्जी चाहो जिथे मर्जी चाहो ब्रेक कर सकते हो, ये कोई लिमिट नहीं है। हूँ जेडे जापान दे विच रूल ने ना, 4 घंटे दे विच तुसी 30 मिनट्स ब्रेक करनी करनी हो, भावें तुसी पूरे यानी एक बारी 30 मिनट करो या 10-10 मिनट करके 3 बारी 30 मिनट पूरे करो या 15 मिनट करके 2 बारी 30 मिनट पूरे करन, इन चाड़ के तुसी 4 घंटे दे विच
30 मिनट ब्रेक करनी करनी है। इन्हों का मतलब है कि 4 घंटे तो उत्ते तुसी ड्राइविंग नहीं कर सकते ना, ठीक है, ओवर हो जाएगा ना, वो गलत हो जाएगा, रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके विच तुसी ना जिथे अगर जो तुहानू नींद आई है जिथे मर्जी तुसी पार्किंग लभो और जिथे ट्रक खलो सकता उत्थे खिलार के तुसी हुण मेरे पिछे वेखदे पे पर्दे लगे ने एन पर्दे बंद करके उस वक्त ही तुसी रैसट कर लो, सो लवो। गल कहने का मकसद है जिथे मर्जी तुसी चाहो उत्थे जा के अपना जिहड़े मर्जी रेस्टोरेंट दे विच जिथे ट्रक वड़ सकदा होवे उत्थे तुसी जा के अपनी मर्जी का खाना खा सकते हो, जदों मर्जी चाहो तुसी जो मर्जी जिथे मर्जी चाहो तुसी खा पी सकते हो, जदों मर्जी चाहो तुसी रेस्ट कर सकते हो। ये विच क्या फायदा है, उहनूं असीं कहिंदे आ फ्री है ना काम। लेकिन हाँ, एक बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी वाला काम है, बहुत ही वड्डा रिस्क है, ये विच अल्लाह माफ़ करे कोई अगर ऐसा कोई हैपन हो जाए तो एक बहुत वड्डा नुकसान होता ना, तुहाडी लाइफ खत्म हो जाती। इस वजह तो बहुत वड्डा रिस्पोंसिबिलिटी वाला काम होता है, बहुत ही ख्याल रख के अगे पिछे शीशे मैं ना एक सैकेंड बाद बार बार वेखने पैंदे ने, क्योंकि दो गड्डियां ना, अगे ट्रक एक वखरा पिछे ट्रेलर वखरा, इस वजह तो सानू जिहड़ा जदों भी ड्राइविंग करीदा बहुत ही एहतियात दे नाल रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल सानू ड्राइविंग करनी पैंदी है। तो अज दा जिहड़ा व्लॉग है काफ़ी वड्डा हो जाएगा, तो मैं हाले टोक्यो भी जाना है, तो तकरीबन अड्डी अज थोड़ा बिजी हाँ, कल भी बिजी है काम, तो मेरा ख्याल है अज का व्लॉग इतने तक ही खत्म करिए। तो अगर थोड़ा कोई सवाल जवाब है पूछने वाला तो तुसी कमेंट नहीं करो, कमेंट करो तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, तो जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइसेंस के बारे में भी वीडियो दी ने, तो होर भी काफ़ी वीडियो दीतियां ने, शॉर्ट्स भी हैं। अगर जो थोड़ा कोई सवाल जवाब है वे तो तुम मैं कमेंट करो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।